नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। आइए फटाफट नजर डालते हैं खबरों पर। केंद्रीय बजट से पहले पीएम मोदी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान बैठक में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने और रोजगार सृजन की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक 20 जून को आयोजित की जाएगी। भोपाल में रहने वाले तेलुगु भाषा के लोगों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ ने शिरकत की। यह कार्यक्रम तेलुगु परिषद की ओर से आयोजित किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी कला का भी प्रदर्शन किया, तो वहीं सीएम कमलनाथ के कार्यक्रम में शामिल होने पर तेलुगु भाषा के लोगों ने आभार जताया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर को जीत मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, तो वहीं सीएम के पद की शपथ के साथ प्रदेश के विकास और योजनाओं के लिए जुट गए हैं। सीएम जगमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें अहम फैसलों पर चर्चा के साथ निर्णय लिए जाएंगे। राजधानी जयपुर के मोहनपुरा स्थित इंडियन ऑयल के प्लांट में सिविल डिफेंस की टीम द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान सिविल डिफेंस की टीम से महेंद्र भीम सहित अन्य टीम मेंबर मौजूद रहे। इस दौरान सिविल डिफेंस की टीम ने आईओसीएल प्लांट के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने और भीषण आग के समय फायर फाइटर सिस्टम के उपयोग पर जानकारी दी। सिविल डिफेंस की टीम समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करती रहती है, जिसका मकसद आपातकालीन स्थिति से निपटना होता है। पाली जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने देर रात मुखबिर की सूचना पर एक हुक्का बार पर छापा मारा। यहां से हुक्के और नशे की सिगरेट बरामद की। इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस के साथ एक होटल पर कार्रवाई की गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया और कई युवा हुक्का बार को छोड़कर फरार हो गए। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में उपयोग में लिए जाने वाले हुक्के और नशीली वस्तुएं भी बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के गाजियाबाद में युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया। यह घटना मोदी नगर इलाके की बताई जा रही है। बता दें कि युवक मोदी नगर इलाके में इलेक्ट्रोड फैक्ट्री में काम करता था और शव फैक्ट्री में ही मिला है, तो वहीं मामले को लेकर परिजनों ने ठेकेदार पर पैसों के लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में थाना दिव्यापुर और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई की। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के बेसुंदरा बम्बा के पास चार शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को चोरी की चार मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में चोरी की तीन और मोटरसाइकिलें भी बरामद की गयी। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब मामला कुशीनगर में NH-26 पर देखने को मिला, जहां तरैया सुजान पुलिस ने दो वाहनों से करीब 40 लाख रुपए शराब जब्त की है और एक वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया है। भरतपुर के जिला RBM अस्पताल में शनिवार को एक व्यक्ति द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य मार्गदर्शक सत्यवीर के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें सत्यवीर चोटिल हो गया। बाद में सत्यवीर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर में शादी समारोह का सीजन आते ही चोर गिरोह सक्रिय हो जाता है। इस बार चोर गिरोह ने जयपुर के मोहाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना मैरिज गार्डन में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस चोर गिरोह की तलाश कर रही है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी वन रेंज के अंतर्गत जमीन के अंदर से धुआं निकलने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। जमीन के नीचे से ग्रामीणों ने धुआं निकलते देखा और जिस जगह जमीन के नीचे धुआं निकल रहा था, उतनी जमीन नीचे की तरफ बैठती भी जा रही थी।
इस दौरान मिट्टी से धुआं निकलने की सूचना पर मौके पर एसडीएम ने मौका मुआयना किया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि धुआं 25 से 30 बीघा जमीन से निकल रहा है। जमीन के ऊपर का टेम्परेचर तो नॉर्मल है, लेकिन धुआं निकलने वाली जगह से जमीन के एक फीट नीचे शोले धधक रहे हैं। बाराबंकी के फतेहपुर इलाके में अवैध क्लिनिकों के संचालन की सूचना पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की संयुक्त टीम ने फतेहपुर कस्बे में छापेमारी की। तो वहीं कार्रवाई के दौरान टीम ने जब झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची तो वहीं बिना किसी डिग्री के मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते झोला छाप को रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया और क्लिनिक को सीज कर दिया गया। बाराबंकी पुलिस का एक और हैरतअंगेज कारनामा सामने आया, जहां एक तथाकथित मुठभेड़ के बाद पुलिस ने न सिर्फ बदमाश के पास से तमंचा बदल डाला, बल्कि बदमाश के पास से बरामद जिंदा और कारतूस की संख्या में बदलाव के बाद पुलिस खुद अपनी ही गढ़ में गिर डाली। भरतपुर के महाराज सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर शनिवार को महाराज सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार राजेश गोयल के चैंबर में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह और हाईकोर्ट चीफ जस्टिस एस रविंद्र भट्ट सहित कई विभागों के प्रमुख अधिकारी गणों के सम्मान को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड में खुलकर सामने आई बीजेपी की गुटबाजी, जहां दो बड़े दिग्गजों में जमकर तूतू-मैं-मैं हुई और बहस के बाद आपस में स्पीकर और राज्य मंत्री भगत राम कोठारी भिड़ गए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित नीलरत्न सरकार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जब पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर से मारपीट के बाद बवाल उठ रहे हैं। 48 डॉक्टर्स ने ममता की बिना शर्त की माफी की मांग उठाई है। आज एम्स समेत दिल्ली के 18 अस्पतालों में हड़ताल पर रहेंगे चिकित्सक। तो वहीं डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बातचीत करने के आमंत्रण को ठुकरा दिया है और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा डॉक्टर इस्तीफा भी दे चुके हैं। फिलहाल डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होती नहीं दिख रही। झारखंड के सरायकेला में पुलिस टीम पर नक्सली हमला हुआ, जिसमें 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए। वारदात के बाद पुलिस के हथियार लेकर फरार हो गए नक्सली। जयपुर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर सरपंच को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया, जहां पीएम आवास योजना में चयन करने की एवज में मांगी गई थी रिश्वत। मेरठ में कीटनाशक दवाई की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान लोगों की सूचना पर पुलिस और दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि आग का पता लगने के बाद ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल आग से कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। चौमू के ग्राम इटावा भोबजी के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में रक्तदान दिवस पर शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मां भारती फाउंडेशन के तत्वाधान में दूसरा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इस दौरान रक्तदान शिविर में 420 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, साथ ही रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राजस्थान के सूरतगढ़ की कृषि क्षेत्र में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय नहीं होने से किसान जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि कृषि विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मंजूरी नहीं मिल गई। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जुलाई के प्रथम सप्ताह में मंडल मुख्यालयों के भ्रमण कार्यक्रम के तहत आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे। तो वहीं प्रशासन की ओर से सीएम दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन और संस्कृति नोडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें
शासन की प्राथमिकताओं, कानून व्यवस्था और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसके पूर्व उन्होंने 100 बेड अस्पताल अतरोलिया का निरीक्षण भी किया। रामपुर में एक के बाद एक फर्जी दरोगा के पकड़े जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी क्रम में पुलिस ने फर्जी दरोगा और उसकी गैंग का पर्दाफाश किया है। एक युवक ने खुद को दरोगा बताकर युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, युवती के परिजनों से झूठ बोलकर लाखों रुपए ठगे और साथ ही गांव के कई युवकों से पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगे। इस फर्जी दरोगा के 3 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो वहीं यूपी के मेहनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों से 100 लीटर से ज्यादा जहरीली शराब और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। तो वहीं पुलिस के मुताबिक ये शराब तस्कर काफी सालों से तस्करी कर रहे थे, जो कि हरियाणा और पंजाब से शहर लाकर यूपी बिहार में सप्लाई करते थे। तो वहीं पकड़े गए आरोपियों पर पहले से कई थानों में मामले दर्ज हैं। यूपी के महोबा में आर्थिक तंगी के चलते एक किसान ने विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। किसान विद्युत बिल न चुका पाने और सरकारी नुमाइंदों की बेइज्जती से आहत होकर आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि बिजली का बिल जमा कराने के लिए विभाग ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। थाना क्षेत्र में ग्राम गड़िया पा में एक प्रधान की दबंग गई एक परिवार पर भारी पड़ गई। प्रधान ने गरीब के आशियाना पर जेसीबी चलवाकर परिवार को घर से बेघर कर दिया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने डीएम से गुहार लगाई। सीकर के दाता रामगढ़ में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने प्रतापगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान थाना प्रभारी श्रीराम कस्बा ने बताया कि कुछ दिन पहले ही मोटलावास से एक नाबालिग लापता होने की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ निवासी राकेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान की झालावाड़ पुलिस ने मादक तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 3 मादक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 किलो अफीम बरामद हुई है, जिनकी बाजार से कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। मोहनगढ़ क्षेत्र में बटालियन की ओर से लाखों पौधे लगाकर हरा भरा बनाया जा रहा है, जहां जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए 128वीं पैदल वाहिनी पर्यावरण राफ रीफ साल 1997 से कार्यरत है। बता दें कि वर्ष 2015 और 16 में 150 हेक्टेयर जमीन पर 1,20,000 पौधों का रोपण किया गया था। बीकानेर के खाजूवाला में मनचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट के बाद ग्रामीणों ने मनचले के बाल काट दिए। बताया जा रहा है कि युवक ने लड़की को छेड़ दिया था। तो वही वायरल वीडियो छतरगढ़ पुलिस थाने के राणावाला गांव का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हरिद्वार वन प्रभाग ने अनोखी मुहिम शुरू की, जहां वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूकता फैले इसके लिए स्मृति वन नामक योजना तैयार की गई है। और इस योजना के तहत हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालु और स्थानीय निवासी अपने अपने पितरों की स्मृति में वृक्षारोपण करेंगे। IIT रुड़की में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जिले के कई किसानों ने भाग लिया। इस दौरान IIT के वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत किस्म के फसल पैदावार की जानकारी दी। उत्तराखंड में रुद्रपुर पुलिस और ARTO की टीम ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, जहाँ टीम ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों वाहनों के चालान काटे और करीब 1 दर्जन वाहनों को जब्त किया है। आपको बता दें कि वाहन चालक यातायात नियमों के निर्धारित मानकों को ताक पर रखकर वाहनों को चला रहे थे।
सांसद अजय टमटा के नवनिर्वाचित होने के बाद पहली बार बैरीनाग पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान अजय टमटा ने पांकू के कोटगाड़ी मंदिर में मन्नत पूरी होने पर पूजा अर्चना का आयोजन किया। उत्तराखंड में आंदोलनकारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हरिद्वार मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो वहीं मांगे नहीं मानने पर 9 जुलाई को देहरादून के गांधी पार्क और 11 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की चेतावनी दी है। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बनने के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे, जहां निशंक ने हरिद्वार स्थित हर की पेड़ी पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद निशंक ने हरिद्वार की अधिष्ठात्री माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स पर हुए हमले का असर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी देखने को मिला, जहां ऋषिकेश में एम्स अस्पताल के स्टाफ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इसके विरोध में एम्स में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ओपीडी को बंद रखा गया। देहरादून को स्मार्ट सिटी के तहत आगे बढ़ाने और शहर का प्रदूषण कम करने को लेकर सरकार ने एलपीजी और सीएनजी ऑटो विक्रम संचालित करने को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने करीब 1.25 साल पहले यह प्रस्ताव शासन को भेजा था, तो वहीं अब मंजूरी मिलते ही विभाग ने शहर में सीएनजी एलपीजी ऑटो विक्रम चलाने की तैयारियां शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स पर हुए हमले के विरोध में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर रानीखेत के प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने काला फीता बांधकर विरोध जताया, जहां एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर कौशल बंगारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो बर्ताव डॉक्टरों के साथ हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। रुद्रपुर में नैनीताल लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अजय भट्ट ने कार्यों की समीक्षा ली, तो वहीं जिला कार्यालय के एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में अधिकारियों से मिलकर उनके विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा भी की। राजस्थान के धौलपुर जिले की कोलारी थाना इलाके के टहरी का पूरा गांव में विद्युत तार की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। युवक को लेकर चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की समझाइश के बाद युवक का पोस्टमार्टम करवाया गया। राजस्थान के धौलपुर जिले के सेपऊ थाना इलाके के पार्वती नदी के पास देर रात एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई, तो वहीं मौत की खबर सुनकर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कासगंज में रक्तदान शिविर पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स द्वारा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस दौरान जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने नियमित रक्तदान दाताओं को सम्मानित भी किया। तो वहीं रक्तदान शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने फीता काटकर किया और उसके बाद रक्तदान दाताओं ने बारी बारी से रक्तदान किया और साथ ही लोगों से इस पुण्य कार्य में सहयोग करने की अपील भी की। जिलाधिकारी ने नियमित रूप से रक्तदान करने वालों को सम्मानित किया। जयपुर महापौर विष्णु लाटा ने वार्ड संख्या 33 में 2.5 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया। लाटा ने भाकरोटा के तेजाजी का चौक, शिव विहार कॉलोनी, ठाकुर जी का रास्ते में सड़कों का शिलान्यास किया। सवाईमाधोपुर में भागवत कथा की भीड़भाड़ के दौरान 3 संदिग्ध लोग आयोजनकर्ता के घर में घुसाए, लेकिन तभी परिवार के अन्य लोगों को भागते हुए मौके से पकड़ लिया गया। दोनों परिवार जनों ने चोरी की नीयत से घर में घुसे चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पर्यटन और देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शनिवार को भरतपुर में कुम्हेर के जहांगीरपुर में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेद प्रदर्शनी का अवलोकन और आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र के रिनोवेटेड भवन का लोकार्पण भी किया।
दौरान उन्होंने बताया कि जिले की तीन प्रमुख समस्याओं में से दो समस्याएं सिंचाई का पानी और पेयजल के संबंध में गत चार माह में काफी प्रगति हुई है और साथ ही बताया कि 89 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव राज्य बजट में शामिल करवाने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है। जयपुर महापौर विष्णु लाटा ने वार्ड संख्या 33 में 2.5 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही लाटा ने भाकरोटा के तेजा जी का चौक, शिव विहार कॉलोनी और ठाकुर जी के रास्ते में सड़कों का शिलान्यास किया। पाली में योग दिवस को लेकर नगर परिषद की ओर से लाखोटिया उद्यान में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसको लेकर नगर परिषद विभिन्न वार्डों में 21 जून से पहले योग शिविर आयोजित करवा रहा है। भारतीय सेना के शौर्य और साहस के गौरवशाली इतिहास को देखने फलौदी और जैसलमेर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेज से आए छात्र छात्राओं ने इसे देखकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया और सेना को अपने करियर के रूप में चुनने का सपना देखकर देश की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। विश्व कप में रविवार को खेला भारत पाक के बीच हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा, जहाँ मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। विश्व कप के इतिहास में अब तक दोनों टीमें 6 बार आमने सामने हुई, हर बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है। मैच से पहले मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मैनचेस्टर का मौसम अच्छा रहेगा, हालांकि बारिश का अनुमान है मगर वो भी रात के वक्त हो सकती है, वरना 16 और 17 डिग्री तापमान के साथ ही हल्के बादल रह सकते हैं और साथ ही हल्की फुल्की धूप भी देखने को मिलेगी। मैच से पहले पाक के भरोसेमंद खिलाड़ी बाबर आजम, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की वीडियो देखकर अपना प्रदर्शन सुधार रहे हैं, साथ ही कोहली को आदर्श मानते हैं आजम।